लेकिन इतिहास गवाह है, जिस जिसने सनातन को ललकारा है वह मिट्टी में मिला है, चाहे सत्ता में चाहे शारीरिक रूप में। अब अगर दोबारा सनातन में उंगली उठेगी, 2024 के अंदर ऐसे परिणाम आएंगे कि जितने सनातन के ऊपर उंगली उठाने वाले, टिप्पणी करने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, कागजों में वो राजनीति इतिहास में नहीं दिखा करेंगे। नहीं, ये पूरा भारत का एक एक हिस्सा, पूरे भारत का एक एक जो कंकड़ है वह शंकर है, जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसको जनता तोड़ देगी। अभी भी हम सब जानते हैं क्या राम मंदिर बन रहा है, सौभाग्यशाली के हम वो देख पा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाली सोनिया गांधी थी, वो कहती थी हु इज राम, और आज वो राहुल गांधी थी मंदिर मंदिर जा रहे हैं जो कहते थे हु इज राम। तो कांग्रेस से यही अपेक्षा है, इससे ऊपर की अपेक्षा नहीं है। इसी चक्कर में वह पार्टी से भी गए, आने वाले समय में देश से ही जाएंगे, और कांग्रेस को समय देखना चाहिए कि देश के अंदर एक लहर चल रही है, वो है राष्ट्रवाद, वो है राष्ट्रवाद और कर्मवाद। मोदी जी कर्म कर रहे हैं, हम गर्व से कह सकते हैं मैं भी मोदी, मैं भी मोदी। राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी का नाम भी नहीं लेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के और उनकी पॉलिसी का नाम क्यों नहीं लेता, ऐसी क्या वजह है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको ऑर्डिनेंस एक रैली में फाड़ दिया था। तो आप इस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही अपेक्षा कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं, जो रिजल्ट है। उसके बाद जो राजनीति चल रही है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का, कि जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के वो पढ़े लिखे हैं और वो समझदार हैं, और जो नॉर्थ स्टेट जहां बीजेपी जीती है सो कॉल्ड हिंदी हार्टलैंड, जिसको गौमूत्र स्टेट्स बताया गया है डीएमके पार्टी, और उससे पहले भी बताया गया कि गौमूत्र स्टेट है और गाय के गोबर करने इस्तेमाल करने वाले स्टेट्स हैं, मंदबुद्धि लोग रहते हैं। ये जो नॉर्थ साउथ में जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है ये जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद, कि साउथ में कांग्रेस जीती क्योंकि वहाँ लोग समझदार है, इस पॉलिटिक्स पर क्या बोलेंगे? देखिए, साउथ में कौन सी कांग्रेस जीत गई भाई साहब? तेलंगाना जैसा शहर जो इनका गढ़ था उसमें 2-8 पे बीजेपी जीत गई, मिजोरम के अंदर 2 सीटें बीजेपी ले गई, तुम उस हर स्टेट के अंदर, एक तेलंगाना में भी मैं कहता हूँ बीजेपी ही आगे रही, और 3 स्टेट जिसके ऊपर तुम डंका बजा रहे थे ना, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, लोगों ने उठा कर चप्पल तुम्हारे मुंह पे मारी है। धर्म की राजनीति भी तुम्हारी धड़ी रह गई, तुष्टिकरण की राजनीति भी तुम्हारी धड़ी रह गई, लोगों ने ऐसा जवाब तुम्हारे को दिया है ना, अगर तुम वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ गट्स फीलिंग है, तुम मानते हो कि हाँ हमारा जो पूर्वज थे देश के लिए कुछ किया, और तुम उसका डंका डो रहे हो, तो जीवन में भूल के भी इन 3 राज्यों में मत जाना। ये लग रहा है इस तरह की राजनीति देश के लिए शुभचिंतक शुभ वो नहीं है, भविष्य में खतरा हो सकता है नॉर्थ साउथ में जो डिवाइड कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, सनातन को गाली देने वाला था, डेंगू मलेरिया से कंपेयर करने वाला था, खड़गे जी और राहुल गांधी डंके की चोटे बोलते थे हिंदुत्व खत्म करना होगा, ये बढ़ रहा है। आज जनता ने जवाब दे दिया इनको, हिंदुत्व तो अच्छे अच्छे सनातनियों को तो सैकड़ों साल वीर मुगल शुगल नहीं खत्म कर पाए, तुम किस खेत की मूली हो? तो अंग्रेज नहीं आकर के कर पाए, तुम किस खेत की मूली हो? सनातन क्या है? सनातन तब भी लड़ता है अपने धर्म के लिए, आज भी लड़ेगा, और आने वाली हमारी पीढ़ियां भी अगर लड़नी पड़ेगी। भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्लियर कर दो वो किस खेत की मूली है। वो मुगल और अकबरों की मूली है जो अभी रह गई है हिंदुस्तान में, और वो उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस जिसने सनातन को ललकारा है वह मिट्टी में मिला है, चाहे सत्ता में चाहे शारीरिक रूप में। अब अगर दोबारा सनातन में उंगली उठेगी, 2024 के अंदर ऐसे परिणाम आएंगे कि जितने सनातन के ऊपर उंगली उठाने वाले, टिप्पणी करने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ कागजों में वो राजनीति इतिहास में नहीं दिखा करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे, जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, जिस तरह की राजनीति पिछले 1 साल से चल रही है जब से ये फॉर्म हुआ है, चाहे वो डीएमके के लोग हों, वो डेंगू मलेरिया बता देते हैं, एचआईवी बता देते हैं सनातन को, अभी उन्होंने संसद में एक सांसद ने खड़े होकर डीएमके ने बोल दिया कि गौमूत्र स्टेट्स हैं क्योंकि यहाँ गौमूत्र इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ये लोग जीतते हैं। उससे पहले ममता बनर्जी जो जय श्री राम से थोड़ा सा, जय श्री राम के नारे से एलर्जी है उनको, उधर आरजेडी जो है बिहार में उनके एक मंत्री बोल देते हैं कि जो हम भस्मासुर के अनुयायी हैं, एसपी के जो एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं। तो ये जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं महागठबंधन की ये राजनीतिक पार्टियां, लग रहा है 24 में इनका एक अच्छा नतीजा मिलेगा इस तरह की पॉलिटिक्स करके? क्या है कि इन्होंने डेकोरम मेंटेन कर रखा है कि सनातन को गाली दो, सनातन को हिट करो, हिंदुओं को हिट करो और पब्लिसिटी में आ जाओ। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हिट करने में हिट विकेट हो जाते हैं, जैसे 3 राज्य के अंदर हो गए, तेलंगाना में 1 से 8 गुना सीट मिली है, तो 800 गुना भाजपा को वहाँ पे वो मिली है, उन्नति मिली है, तो ये कांग्रेस के लिए मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और राहुल और साउथ का डिवाइड और सनातन हिंदुओं का विरोध नहीं चलेगा? नहीं, ये पूरा भारत का एक एक हिस्सा, पूरे भारत का एक एक जो कंकड़ है वह शंकर है, जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसको जनता तोड़ देगी। मैं इसी पे आऊंगा, जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, आज उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने ओथ लिया है और उसके साथ जो आपके राहुल गांधी सोनिया गांधी जाके वहाँ मौजूद थे। रेवंत रेड्डी का एक बयान आया था अभी हाल ही में, बोल रहे थे कि जो बिहार के लोग होते हैं उनका डीएनए तेलंगाना वाले लोगों के डीएनए के सामने कमजोर होता है, खराब डीएनए होता है बिहार वालों का। ये जो डीएनए में आप बांटने की पॉलिटिक्स हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर डीएनए अगर चेक कराना है तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार एंड पार्टी का कराया जाए, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, डीएनए से याद आया, फिरोज गांधी जी का पोता राहुल गांधी कैसे हो सकता है?
आप एक चीज़ समझो, डीएनए वहाँ चेक कराना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर से शुरू करना चाहिए। फिरोज खान गांधी जी का पोता राहुल गांधी कैसे हो सकता है? आज इस सत्य को जानो, आज वो अपने आपको हिंदुत्व का अगर वो चोला लेके घूम रहे हैं, अगर उनका डीएनए टेस्ट करा जाए तो वो भी मुगल वाले ही निकलेंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जय कुमार झा बोल रहा हूँ। कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ। कैसे देखते हैं सर ये बिहार के डीएनए पे जो रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के, आ जाओ सर, कांग्रेस के जो चहेते हैं राहुल गांधी के चहेते हैं रेवंत रेड्डी जी, वो आज सीएम के पद की शपथ ली है, उन्होंने तेलंगाना के सीएम बने हैं। उन्होंने अभी बोला था कि जो बिहार के लोगों के डीएनए है वो खराब होता है, वो कमजोर होता है तेलंगाना वाले लोगों के मुकाबले। मुझे लगता है कि ये तेलंगाना वाला जो बोल रहे हैं ना, उनका डीएनए खुद खराब है। डीएनए खराब है? हाँ, उनका डीएनए खराब है। बिहारियों का डीएनए कभी खराब हो ही नहीं सकता। और इस तरह का बेतुका बयान देने से मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोई वोट दे देगा। आटने की नहीं, चीफ मिनिस्टर तो बन गए वो। चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन वो 5 साल के लिए बना है, जिंदगी भर के लिए नहीं बना है। लेकिन इस तरह का बयान देना गलत है। अगर वो आए हैं सत्ता में तो उसको सही काम करना चाहिए, नहीं तो उसको उखाड़ के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। क्या बोलेंगे सर ये डीएनए वाला जो बयान रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस राहुल गांधी के जो चाहे थे, क्या बयान दिया है? डीएनए का मतलब किस चीज़ का दिया? जो बिहार वालों का डीएनए तेलंगाना वालों डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए के मुकाबले कमजोर होता है, खराब होता है बिहार का जो है। हाँ, नीतीश कुमार जी की तुलना कर देखिए, लोगों का नहीं कह सकते क्योंकि बिहार के जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव है ना। हाँ, इन्होंने भारत बिहार की राजनीति को इतना डुबो दिया है ना। हाँ, इतने निचले स्तर पर ले गए हैं कि कभी कभी लगता है कि ये वही राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बनकर निकलते हैं। हैं, तुष्टिकरण धर्म की राजनीति, कहते हैं धर्म की जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराइए, ये कराएंगे। उधर कहते हैं ईद के ऊपर छुट्टियां बढ़ा देते हैं, शुक्रवार की छुट्टी देते हैं, वहीं रामनवमी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की छुट्टी में बैन करते हैं। ये धर्म की राजनीति खेलने वाले, कार्ड खेलने वाले। जिस दिन हम कहते हैं नीचा तबका, आज छत्तीसगढ़ का भाजपा हो गया, हमारे को भी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ भाजपा ले जाएगी, लेकिन वहाँ की जनता ने दिखा दिया। हम अनएजुकेटेड हैं बट इतने भी नहीं है सर। ये चुप्पी कैसे देखते हैं? पहले सनातन पे अटैक किया जाता है, डेंगू मलेरिया बता दिया जाता है, एचआईवी बता दिया जाता है, फिर गौमूत्र स्टेट्स बता दिया जाता है। ये महागठबंधन में दोनों पार्टियां शामिल हैं और कांग्रेस वाले ये खासतौर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसका खंडन क्यों नहीं करते, चुप्पी क्यों होती है? देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसका खंडन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको खंडन करने के बाद उनके ऊपर को बचेगा नहीं। इनका शुरू से ही एक पाथ है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, हिंदुओं के त्योहारों को रोकना। और अभी भी हम सब जानते हैं क्या राम मंदिर बन रहा है, सौभाग्यशाली के हम वो देख पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाली सोनिया गांधी थी, वो कहती थी हु इज राम, और आज वो राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं जो कहते थे हु इज राम। तो कांग्रेस से यही अपेक्षा है, इससे ऊपर की अपेक्षा नहीं है। इसी चक्कर में वह पार्टी से भी गए, आने वाले समय में देश से ही जाएंगे। और कांग्रेस को समय देखना चाहिए कि देश के अंदर एक लहर चल रही है, वो है राष्ट्रवाद और कर्मवाद। मोदी जी कर्म कर रहे हैं। हम गर्व से कह सकते हैं मैं भी मोदी। राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी का नाम भी नहीं लेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के और उनकी पॉलिसी का नाम क्यों नहीं लेता? ऐसी क्या वजह है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको ऑर्डिनेंस एक रैली में फाड़ दिया था। तो आप इस पार्टी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही अपेक्षा कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। ये जो एक जननायक बनाने की एक जो छवि चल रही थी, एक दौड़ चल रहा था कि राहुल गांधी देश के जननायक हैं, लग रहा है ये 3 राज्यों के नतीजे के बाद एक जो जननायक की छवि है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बनी थी, इसको एक चोट पहुंचे, इसको झटका लगा। अरे पत्रकार महोदय, बताइए नलायक कभी जननायक बन सकता है क्या? हाँ, जो आलू से सोना निकालता है, जो संसद में आँख मारता है, फ्लाइंग किस देता है, वो व्यक्ति कभी बन सकता है क्या? जिनको ये नहीं पता, वो उनका एक वीडियो भी लीक हुआ था कि राजस्थान में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है। आप समझिए उस बंदे का माइंडसेट कैसा है। अभी आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो पूर्व अपने राष्ट्रपति थे उनकी बेटी सुमित्रा मुखर्जी ने, एक मुखर्जी की बेटी, हाँ प्रणब मुखर्जी की बेटी, किताब में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी ने उनसे समय मांगा सुबह मिलने के लिए, जब राष्ट्रपति भवन में अपने मुगल गार्डन में घूम रहे थे। उन्होंने पहले मना कर लिया था, ठीक है राहुल गांधी आने दो, बाद में पता चला कि जो समय सुबह 7 बजे का मांगा था वो शाम को था। जिनको एएमपीएम नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप समझो। तो ऐसा ही है, प्रणब मुखर्जी कह रहे, प्रणब मुखर्जी बुक में लिखा हुआ है वो, आप पढ़ना जाके, गूगल पे अवेलेबल है सारी चीज़ें। तो वो बुक पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसको एएमपीएम नहीं पता, ये उनके वर्ड्स हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शब्द हैं कि जिनको एएमपीएम नहीं पता वो पीएम क्या बनेंगे। ठीक है सर, आप एनआरआई हैं इस देश के, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं इस बार एनआरआई किस तरीके से 24 में वोटिंग पैटर्न क्या रहने वाला है और एनआरआई क्या सोच रहा है मोदी जी के? सर, एज एन एनआरआई मैं तो ये कहूँगा सारे इंडियंस, लेट इट बी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि जो इमेज बाहर बनी है आई थिंक वो इंडियंस यहाँ पे जो हैं वो नहीं देख रहे हैं। हम एज अ चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों,
हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी देखते हैं कि जितनी इमेज बाहर बनी है हमारी, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर मैं पहले वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाता था तो हम पाकिस्तानी और सबके साथ खड़े होते थे, आज हम हिंदुस्तानी का पासपोर्ट देख के पूरी फैमिली पहले बिठाई जाती है और जब हमारा नंबर आता है तो फैमिली को बुला के रिस्पेक्टफुली दिया जाता है, पानी पूछा जाता है, आज तक पूछिए किस कंट्री के लोगों, यूरोपियंस तक को नहीं पूछा जाता था। तो आज वो 9 साल में जो चेंजेस आए हैं, मैं ठीक है ये टैक्स और ये सब जो बातें हो रही हैं ये अलग बात है, अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे एज अ बिजनेस मैन तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी। इस आज जो ये रोड्स बन रही हैं, आप बिलीव नहीं कर रहे, मैंने मुंबई से लखनऊ तक बाय रोड ट्रैवल किया इस बार, एंड आई वाज अनएक्सपेक्टेड कि मैं कभी 1800 किलोमीटर गाड़ी चला पाऊंगा। अच्छा, और मैंने रोड बन गए, इतने अच्छे रोड बने हैं और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को टक्कर दे रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी रोडें बनाई जा रही हैं और वो बहुत अच्छा है हिंदुस्तानियों के लिए। देखिए हम जॉब तभी क्रिएट करेंगे जब हमें बिजनेस मिलेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमें इंडिया में काम करने के लिए। अगर मेरे साथ यूरोपियन कंपनीज काम करने को तैयार हैं तो मेरे लाल नहीं लगे थे, ये लाल मोदी जी ने लगाए हैं और दैट इज़ अ रियलिटी। अगर आप किसी भी NRI से पूछ लें कि उनकी रिस्पेक्ट बाहर कितनी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ, मैंने क्या बोला, अगर मैं 200 करोड़ खर्च करता वो ब्रांडिंग मैं नहीं कर सकता था इंडियंस की जो मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी है एज अ बिजनेसमैन। सर एक लास्ट सवाल पूछूं आपसे, ये जो आप बाहर रहते हैं आप बाहर से एक दूर से एक चीज़ों को देख सकते होंगे, जो हम देश में रहते हैं वो थोड़ा सा अलग नज़रिया होता है, एक बाहर जो रहता है उसका एक अलग नज़रिया होता है। बाहर जो एक एक इमेज सी बनाई जाती है इंडिया की कि देश में जो है लोकतंत्र खतरे में और तानाशाही है देश के अंदर और मोदी जी हैं एक टैरेंट है एक डिक्टेटर के तौर पर इंडिया के अंदर, इस इमेज के ऊपर क्या बोलना है? सर मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बता दूँ, मैं अबू धाबी होली वाले दिन था, हम इतनी अच्छी होली यहाँ नहीं खेलते होंगे, रोडों पे होली खेल लेते हैं अबू धाबी में। आप बिलीव कर सकते हैं मुस्लिम कंट्री में हम चौराहे पे खड़े के होली खेल पाएंगे? आप यहाँ जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी पान भाई साहब, लिटरली हम छतों से पानी फेंक रहे हैं और होली खेल रहे हैं। अच्छा। एक मुस्लिम कंट्री में एक्सपेक्ट करेंगे आप? अच्छा। अबू धाबी के अंदर होली खेली हमने, मैं फोटो शेयर कर सकता हूँ इन चीज़ों तक वहाँ पर बना दिए गए। आज जो भाई साहब ने बात बताई हमारे को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि विदेश में रह के भी नरेंद्र मोदी जी का कार्य जिसे कहते हैं एक उनका डंका बज रहा है, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि हमने होली खेली वहाँ पर, लेकिन हमारे भारत में एक टूल किट है, एक फिक्स ग्रुप है, वो बार बार निकल आता है किसी ने कभी कभी हिंदू त्यौहारों पर, कभी कहते हैं पटाखे मत जलाओ, कभी कहते हैं ये पानी वेस्ट मत करो, कभी कहते हैं कुछ मत करो, लेकिन एक त्यौहार ऐसा आता है उसके ऊपर वह मुंह पे सील कर लेते हैं, वो कुछ नहीं करते और उनके सोशल मीडिया पे उसी त्यौहार की बधाई दी जाती है। अच्छा ये वो लोग हैं, आप अगर एक बार यहाँ से भी नारा लगाओ देश के गद्दारों को, ये निकल के आ जाएंगे अपने आप, उसके आगे कुछ मत बोलो, ये अपने आप निकल के आ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेट, इनको पता है कि देश के गद्दार कौन है। अगर आप यहाँ पे कोई बोलोगे देश के गद्दारों को आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये निकल के आ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है, अरे आज तुम गद्दार थोड़ी हो, तुम चीज़ को अपने ऊपर ले रहे हो। हाँ तो ये टूल किट चल रही है भारत में और आज वो टूल किट फेल हो चुकी है, सब आप और हम सब जानते हैं। बताइए सर कुछ। मैं कहता रहूँ अबू धाबी का जैसे भाई साहब ने जिक्र किया, ये तो मुझे नहीं पता था, खुशी हुई सुन करके कि होली जैसा त्यौहार वहाँ पर मनाया जा रहा है और अबू धाबी मुस्लिम कंट्री 57 देशों में से एक गिनती होती है, उसमें मंदिरों के निर्माण वहाँ हो रहे हैं, आज मंदिरों के निर्माण वहाँ पर हो रहे हैं, जय श्री राम बोला जा रहा है और हमारे मुरली जी को जो है राम राम जो उनको बुलाया जा रहा है वहाँ पे कथा के लिए, और छोड़िए हमारे सनातन का डंका कश्मीर जहाँ पर उग्रवाद ज़्यादा था, पत्थरबाज थे आतंकवादी, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। तो ये मोदी जी 9.5 साल के कार्य हैं, आप छोड़ो चीन हमें आँख दिखाने वाला, वो आँख दिखाता रह गया, हमने अरुणाचल प्रदेश तक सड़क बिछा दी, इसने हमारा कैलाश मानसरोवर हड़प लिया धोखे से, आज हमने पिथौरागढ़ से सड़क निकाल दी मानसरोवर के लिए, जितने भोलेनाथ के भक्त हैं जाओ यहाँ से यात्रा करो, तो कितना कार्य उन्होंने कर दिया देश के लिए।